नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर देवरिया से है, जहां देवरिया वासियों से निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने की योगी ने की अपील। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर बड़ी संख्या में आए हुए लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने निकाय चुनाव में भाजपा के सभी 17 पंचायत अध्यक्षों को जिताने की अपील करने के साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार तेजी के साथ विकास कर रही है। यदि ये सरकार ट्रिपल इंजन की हो जाए तो इसमें और तेजी आएगी, क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए आप लोग किसी भी प्रकार की गलती मत करना और भाजपा के सभी अध्यक्षों को जीत सुनिश्चित करने की वोट करना। वहीं विपक्ष पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि इसके पूर्व की सरकारों ने नगर पंचायत सृजित किए और न ही क्षेत्र का विकास किए। इस समय प्रदेश पूरा भयमुक्त वातावरण में लगातार तेजी के साथ विकास करने का कार्य कर रहा है। आप देख रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 11 से, दिनेश सिंह कुशवाहा की खास कवरेज। को बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा दिया गया है। देवरिया जिले में 44,105 नासिक महिलाओं को, 19,563 दिव्यांगजनों को, 94,552 वृद्धजनों को 12,000 रूपये सालाना पेंशन की सुविधा दी जा रही है। 5,36,000 से अधिक आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड देवरिया जनपद में उपलब्ध कराए गए हैं। और भाइयों बहनों, अन्य तमाम विकास की योजनाओं को आज यहां पर जमीनी धरातल पर उतारा जा रहा है। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ये सब कार्य इसलिए हो रहे क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन के साथ जब ट्रिपल इंजन जुड़ेगा, तीसरा इंजन भी जुड़ेगा, तो स्पीड 3 गुना नहीं, कई गुना बढ़ जाएगी विकास के कार्य, कई गुना बढ़ाने के लिए। आप मुझे बताइए, सपा बसपा का कोई व्यक्ति जीत जाएगा क्या कर पाएगा कि नहीं? कुछ नहीं कर पाएगा। कोई निर्दल जीतने का प्रयास करता है क्या करेगा? कुछ भी तो नहीं कर पाएगा। बोर्ड वहां का बोर्ड ही उसको काम नहीं करने देगा। आप मुझे बताइए, अपील करने के लिए मैं आया हूं। देवरिया के सभी 17 नगर निकायों से जुड़े हुए हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी यहां मंच पर आए हैं, मैं उनको बुला रहा हूं। देवरिया से, देवरिया नगर पालिका से श्रीमती अलका सिंह जी हैं, बरास से श्री अमरेंद्र गुप्ता जी हैं, मझौली राज से श्री रपेश मिश्रा जी हैं, सलेमपुर से श्री राजेश सिंह मंटू हैं, नगर पंचायत लार से श्रीमती सरोज देवी हैं, पथरदेवा से डॉक्टर विंध्यांचल मदेसिया हैं, गौरी बाजार से श्री प्रदीप कुमार मदेसिया हैं, बरियापुर से श्रीमती सरोज चौहान हैं, मदनपुर से श्रीमती किरण सिंह हैं, एटिमपुर से श्री वीरेंद्र यादव हैं, तरकुला से श्री जनार्दन कुशवाहा हैं, रुद्रपुर से श्रीमती सुधा निगम हैं, भाटपा रानी से श्री वीरेंद्र गुप्ता हैं, बेतालपुर से श्रीमती सरिता पासवान हैं, भटनी से श्री बलराम जायसवाल हैं, रामपुर कारखाना से श्री शिवकुमारी देवी हैं, भरूनी से श्री जितेंद्र सागर हैं। भाइयों बहनों, ये सभी हमारे प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के। देख लिया इन सबको? देख लिए? जोरदार ताली तो बजा दो। इन सबको विजयी बनाना है, आपको विजयी बनाएंगे। इनके साथ साथ इनके पास न स्वच्छता, न सुरक्षा, न बुनियादी सुविधा, न गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। इसलिए कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिस गलती का खामियाजा पूरे नगर वासियों को बाद में भुगतना पड़े। जमीनी धरातल पर विकास की योजनाएं पहुंचे, एक जैसे लोग हर जगह विराजमान होकर के इन योजनाओं की समीक्षा भी करें और साथ साथ उसको जमीनी धरातल पर भी उतार सके, इसके लिए आवश्यक है हम सब एक ऐसे बोर्ड का गठन करें जो जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो, और कहीं कोई गलती करना है तो
ऊपर से शासन से टाइट करने वाली स्थिति भी हो। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे देवरिया के अंदर कहने के लिए कि 17 नगर निकाय हैं देवरिया जिले में, और 17 नगर निकायों में बेहतरीन सुविधा के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। और अगर यहां की तस्वीर बदलना चाहे नगरीय क्षेत्र की, तब उससे बात करना चाहिए। मैं आभारी हूं देवरिया के मतदाताओं का कि उन्होंने हमें सभी 7 विधायक चुनाव जिता करके भेजे, अभी 17 नगर निकाय में चुनाव जिता करके भेजे। वोट बनाइए, पैसे की कमी कहीं आड़े नहीं आनी पाएगी, कहीं पैसे की कमी नहीं आड़े आनी पाएगी। पैसा जितना विकास के लिए चाहिए होगा, जन निकासी के लिए चाहिए होगा, जिन गरीबों के पास मकान नहीं है उन गरीबों के मकान के लिए चाहिए होगा, जितना भी कहेंगे उतना पैसा पेयजल के लिए हर घर नल, हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम तक पहुंचाने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसके लिए आप सभी लोग जुट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सुरक्षा का वातावरण जब होता है तभी विकास होता है। 17 के पहले क्या था, अपराधी और माफिया सीना तान करके चलते थे, व्यापारी सिर झुका के चलता था, न जाने भय के माहौल में व्यापार करता था, कब किसके घर में किसके प्रतिष्ठान में कोई कब्जा कर ले। आज आप देख रहे होंगे अपराधी और माफिया सिर झुका करके चल रहा है, गले में तख्ती लटका करके चल रहा है, जान की भीख मांग रहा है, और हमारा व्यापारी और उद्यमी सीना तान करके व्यापार कर रहा है, निवेश कर रहा है, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आज यह हकीकत बन चुकी है। भैया बहनों, अभी हम लोगों ने यहां पर बेतालपुर चीनी मिल के पूरे कैंपस को हमने सुप्रीम कोर्ट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमें परमिशन देगा फिर से देवरिया को चीनी का कटोरा बना करके यहां के किसानों की आमदनी और यहां के नौजवानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम करेंगे। शुगर कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक शुगर पूरा कॉम्प्लेक्स। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश की इसी देवरिया जनपद में लगी थी, प्रतापपुर की 1903 में, 120 वर्ष पहले। और भाइयों बहनों, 120 साल के बाद देवरिया को पिछली सरकारों ने आज कैसे, आज जो चीनी का कटोरा था उसको अपनी कुत्सित राजनीति से एक कड़वाहट में बदलने का काम किया था। याद करिए भाइयों बहनों, क्या स्थिति बन गई थी। ये लोग किसी के सुख दुख में तो भागीदार नहीं बन सकते थे, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, चीनी मिले औने पौने दाम पे बेचती थी। लेकिन आज हमने तय किया है बेतालपुर में जैसे सुप्रीम कोर्ट हमें परमिशन देगा पूरा शुगर कॉम्प्लेक्स बनेगा, चीनी मिल भी लगेगी, इथेनॉल प्लांट भी लगेगा, डिस्टिलरी भी लगेगी, कोजन प्लांट यानी पावर जनरेशन बिजली का उत्पादन भी वही होगा, और फाइन शुगर बनाएंगे। 11 इंडिया टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ अहम खबरों के साथ।